प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। केकड़ा पकड़ने के लिए पहाड़ पर चढ़े 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, इन्हें सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। रात करीब 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, फिर कहीं जाकर कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि शाम करीब 5 बजे के आसपास में 5 बच्चे मुमरा के खड़ी मशीन डैम के पास पहाड़ी पर चढ़ गए, जिनकी उम्र 8 से 12 साल के बीच है। पहाड़ के बीचों बीच ये बच्चे फंस गए थे, मगर मुमरा फायर ब्रिगेड की टीम, TDRF की टीम, NDRF की टीम इन 5 बच्चों को रेस्क्यू करने में लगे रहे, मगर अंधेरा होने और पत्थर पर काफ़ी फिसलन होने की वजह से 2 बार बच्चों के करीब पहुँचे मगर रेस्क्यू नहीं कर पाए और कामयाबी नहीं मिली। वहीं 5 से लेकर करीब 2 बजे तक ये बच्चे भूखे प्यासे वहीं पर फंसे रहे। बीच बीच में बच्चों से बातचीत भी लोगों के बीच में होती रही, मगर बच्चों को रेस्क्यू कैसे किया जाए और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा था, जिसके बाद TDRF की टीम, NDRF की टीम जो है, ये पहलवान शाह बाबा कि जो दरगाह है वहाँ पर जो सीढ़ी बनी हुई है, वहाँ से एक स्थानीय युवक जिसे रास्ता मालूम था, रास्ते की जानकारी थी, जिसका नाम शानू राठौर है, ये राहत बचाव टीम को वहाँ से लेकर बच्चों के पास तक पहुँचा ऊपरी हिस्से से, और फिर एक एक करके 5 बच्चों को रस्सी के सहारे ऊपर लेकर रेस्क्यू किया गया। करीब 7 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला और सुरक्षित जो है इन बच्चों को नीचे लाया गया। इस दौरान NDRF, फायर ब्रिगेड, TDRF, मुमरा पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लोग लगाते रहे। हालांकि बच्चे जो है इनके माँ बाप रेस्क्यू होने तक यहां पर नहीं पहुंचे थे। बच्चों को पुलिस जो है अपने साथ लेकर गई है। बताया जा रहा है बच्चों का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया जो है पूरी होने के बाद परिजनों को बच्चों के हवाले कर दिया जाएगा। सर आपका नाम क्या है? गणेश नारायण खिताड़े, मुमरा केंद्र अधिकारी। तो यहाँ पहाड़ पर कितने बच्चे फंसे हुए थे और कैसे उन लोगों सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, कितना टाइम लगा? पहाड़ पे बच्चे फंसे हुए, हमको कॉल आया 8:30 बजे, और कॉल आने के बाद हम तुरंत हमारी दोनों टीम लेके हम यहाँ पहुँच गए। TDRF की टीम भी हमारे साथ आई थी। हम दोनों टीम रेस्क्यू करने के लिए ऊपर पहुँच ही गए थे, लेकिन बारिश की वजह से और उधर जो पूरा पत्थर जो फिसला हुआ था, फिसलने से कुछ रेस्क्यू नहीं कर सके थे। तो अभी वापस TDRF और NDRF दोनों टीम ने 5 ही बच्चों को रेस्क्यू किया है। क्या नाम है आपका? शानू राठौड़ है। NDRF की टीम के साथ आप भी गए थे वहाँ ऊपर, तो कैसे रेस्क्यू किया गया, क्या बताएगा? बहुत रिक्स था रास्ता। कैसे उन लोगों को, बच्चों को जो खान कम पड़ता है वो अपना आजाद नगर का, 3 आजाद नगर। अच्छा, 3 आजाद नगर। तो 8 साल से 14 साल का है,
और क्या बताएं बच्चे लोग, केकड़ा पकड़ने गए? केकड़ा पकड़ने गए सर, हम लोग अभी जो टीम के साथ के ऊपर गए थे, तो हमने हमारे वनकटन की टीम में हमने शाम को साथ में, क्योंकि यहाँ का रहवासी है, इन्हों पहाड़ों की इलाकों से अच्छी तरीके से वाकिफ है, ताकि इनको पता होता है कि कहाँ से मतलब कौन सा रास्ता निकलेगा। तो उन अपना जो टीम गई थी उनके साथ में मैंने, हम लोगों ने, शानू भाई ने इनको भेजा था कि आप जाके बच्चों तक पहुँचो, तो ये जैसे ही वहाँ पहुँचे तो सही सलामत तरीके से बच्चों को बाहर निकाल, एनडीआरएफ के साथ में गए थे, बच्चों लोग का भी रिपोर्टिंग आपको भेजेगा, चेकअप होगा, बच्चों लोग का भी ठीक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कुछ नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से वो वहाँ बैठे हुए थे, इसलिए डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद में और हमारे एनडीआरएफ की टीम के साथ में और हमारे शानू भाई के मतलब कोशिश से बच्चों लोग को सही सलामत बाहर निकाल लिया।